बीजेपी की कल लिस्ट जो है पहली लिस्ट वो जारी हो सकती है। बीजेपी के हरियाणा प्रभारी अनिल जैन का ये बयान सामने आया है। सभी प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए जा चुके हैं। अनिल जैन का कहना है केंद्रीय चुनाव समिति की कल दिल्ली में बैठक होनी है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिन के विदेशी दौरे से वापस आ रहे हैं और कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। और जैसा कि बताया जा रहा है लिस्ट जो है पहली लिस्ट वो तैयार की जा चुकी है, अनिल जैन का ये कहना है। तो औपचारिक ऐलान अब सिर्फ बाकी रह गया है कि अब सिर्फ औपचारिकता रह गई है। फर्स्ट लिस्ट को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उसके बाद औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। इसीलिए हरियाणा की राजनीति को अगर हम करीब से समझे तो बीजेपी में जिस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, 75 पार का नारा बीजेपी लगातार दे रही है और कहीं कहीं तो कहा जा रहा है कि हम 80 सीट लेकर आएंगे। ऐसे में कश्मकश बढ़ जाती है कि किसे टिकट दिया जाए किसे नहीं। फिलहाल बीजेपी की ही सरकार हरियाणा में है तो ऐसे में और दायित्व जो है बढ़ जाता है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं ये परीक्षा बीजेपी के लिए भी होगी, हरियाणा और महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव। अंकुर हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुर, जानकारी चाहेंगे। एक तरफ लिस्ट जो है अनिल जैन कह रहे हैं तैयार हो चुकी है, पहली सूची तैयार हो चुकी है, दूसरी तरफ दबाव की राजनीति करते नजर आ रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, क्या लगता है कितना दबाव काम आएगा और लिस्ट का क्या कल औपचारिक ऐलान हो जाएगा? जी देखिए, अनिल जैन ने ये साफ तौर पर कहा है कि जितने भी प्रत्याशी हैं उनके नाम अभी तक फाइनल हो चुके हैं और ऐसी संभावना है कि कल पहला नवरात्रा है और इसी पहले नवरात्रे पर वो अपना शुभ काम करेंगे और ये लिस्ट में नाम की जो सूची है वो कल जारी हो सकती है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन संभावना अभी तक उनके द्वारा जताई जा रही है। और इसके अलावा बात की जाए राव इंद्रजीत की, तो इस्तीफे की पेशकश की जो बात की थी उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया है कि ऐसा अभी तक उनके सामने नहीं आया और कोई भी इस्तीफा पेशकश अभी तक नहीं किया गया है। और टिकट की जब बात उनसे पूछी गई तो उन्होंने कहा कि किसी भी पुत्र पुत्री की उनको टिकट नहीं दी जाएगी, बशर्ते वो सांसद या विधायक न हो। जी अंकुर, तो ये जो ये इस वक्त जो बीजेपी में हलचल देखने को मिल रही है, खासकर हरियाणा बीजेपी में, राव इंद्रजीत सिंह कहीं ना कहीं अपने कद का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। पीएमओ से भी वक्त मांगा है कि प्रधानमंत्री से मिलना है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री लौटेंगे, आज उन्हें लिस्ट दिखाई जाएगी। औपचारिकता है, हालांकि लिस्ट तो तैयार हो चुकी है, पहली सूची औपचारिक ऐलान करना है पहली सूची का, उसके पहले राव इंद्रजीत सिंह इस तरह की दबाव की राजनीति जो खेल रहे हैं कितना कारगर साबित होगा? कि हम अभी बात करें तो राविंद्र जी से भी पर्सनल वोट बैंक देखा जाए तो वो काफी हद तक बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि जहां से वो फिलहाल सांसद हैं और उसी हिसाब से जो आसपास के जितने विधानसभा क्षेत्र हैं तो एक अहीर बेल्ट मानी जाती है जहां पर उनका एक बड़ा प्रभाव है और उसी को लेकर वो मेरे हिसाब से वो दबाव बना रहे हैं और शायद ये दबाव काम भी आ सकता है। लेकिन ये इसका फैसला केंद्रीय चुनाव समिति ही फैसला करेगी। फिलहाल कल उनकी बैठक होनी है और महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों राज्यों की चुनाव समिति है, जो प्रदेश चुनाव समिति है, उनको वहां पर बुलाया गया है। जी अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये फैसला लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर तमाम जानकारी के लिए।